देखिए, मूल प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज स्टार प्रचारक है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, ऐसा जो व्यक्ति कहता है वह आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। और भारत माता की जय, ये जो हमारा एक नारा है, इस नारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है, और हम सब भारतवासी अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानते हैं और उसके हम जयकारा लगाते हैं। ऐसे जयकारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। बंधुवर, सेना के जब 72 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे, तब जेएनयू में जो व्यक्ति डफली बजा बजा करके और घूम घूम करके जश्न मना रहा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। ये दुर्भाग्य है। आज हम सब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि ऐसा राष्ट्र विरोधी और संस्कृति विरोधी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनते जा रहा है। इसलिए हम सब सोचने के लिए मजबूर हैं कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब जो है देश विरोधी जितनी भी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक गिरोह मात्र है, और ऐसे गिरोह का एक सदस्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, बिलासपुर में कन्हैया कुमार। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता शांत जनता है, देशभक्त जनता है, और छत्तीसगढ़ की देशभक्त जनता ऐसे राष्ट्रभक्त जनता है जो ऐसे राष्ट्रविरोधी मानसिकता के लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जब ऐसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। इनका आना ही इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है, और अब तो मुझे लगता है उनको अपने जमानत के भी लाले पड़ेंगे। हम इस बात को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राष्ट्रभक्त जनता ऐसे राष्ट्रद्रोही मानसिकता को सबक सिखाना जानती है। आने वाले चुनाव में सभी चरणों में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी, और एक बार फिर निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से झूठ बोल करके, अनाप शनाप बोल करके हमारे बस्तर वासियों, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके झांसे में इस छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली है, बस्तर की जनता नहीं आने वाली है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग क्या राज्यसभा सांसद के लायक नहीं है, जो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके आप लोगों ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। राहुल गांधी को यहाँ पर हमारे 40,000 बच्चों की जो इलाज के अभाव में मौतें हुई जो आपकी सरकार में, उसका भी आपको जवाब देना चाहिए। और तो और आप लोगों ने तो मीडिया को भी किस तरीके से कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। आपने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही कोरोना का प्रचार प्रसार हो रहा है, मीडिया का समाचार बंद होगा तो कोरोना बंद होगा, ये आपके वक्तव्य थे। एक और नेशनल हेराल्ड का आपका संबंध पूरा देश जानता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपने नेशनल हेराल्ड के साथ में किया, ये यहाँ का बच्चा बच्चा समझता है। और जहाँ तक आपकी सोच जो आदिवासियों के प्रति है, बड़ा तो आप दलित कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे आदिवासी समाज के हैं, उनका अपमान करने से नहीं चुकते, उनको राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरपूर प्रयास किया, जब राष्ट्रपति बन गए तो उनको राष्ट्रपति कहा। आपने नकली आदिवासी को यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ के असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है। आपको तो इन सब बातों के लिए पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रचार में आना चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।